अस्सलाम वालेकुम, स्पाई असद, सैफुल्ला और रियानुल्ला, हम गांव जा रहे हैं और आप लोगों के साथ आज का ये खूबसूरत दिन शेयर करेंगे। तो आज तीसरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग आप लोगों के साथ आज की रूटीन शेयर करेंगे कि हम वहां पे जाएंगे, क्या करेंगे। आप बताओ किधर जा रहे हो? गांव जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सैफुल्ला और गांव जा रहे हो? रोजा है, मैंने भी रोजा रखा है। आज तो सैफुल्ला ने भी रोजा रखा है, आज पता चलेगा। मौसम ऐसे बड़ा जबरदस्त है, खैर है तो इतनी इसलिए न इसे प्यास लगेगी न भूख लगेगी, ठीक है, दिन सही है, क्या ख्याल है। ये अब रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है खाक पुल से आगे, DHA 2, 3, 4, 5 ये साइड पे कंस्ट्रक्शन तो वैसे तेजी से चल रही है, रोड भी काफी खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं वहां तक प्रवास। ये देखें, आप लोगों को पिछली दफा बताया था ना, तो ये अभी फिर बता रहा हूँ, ये अभी प्याज माशाल्लाह से काफी अच्छा हो गया है, देखे काफ़ी खूबसूरत हो गया है। लेकिन बारिशें अभी बहुत मुसलसल हो रही है ना, बारिशें जो मुसलसल हो रही है जिसकी वजह से ये अभी काम शाम कुछ भी नहीं हो रहा, ऑलरेडी जो कुछ है उसी तरह है, उसी कंडीशन में लगा हुआ है, ठीक है, हर जगह 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 पानी खड़ा हुआ है, बाकी उसी तरह, ठीक है। ये ले, तो यहाँ पे ये आप लोगों को दिखाया, तीसरा रोज़ा है और बारिशें काफ़ी हो रही है, तो बारिशों की वजह से यहाँ पे ज़मीन नम है, जगह जगह पे पानी भी कड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अभी इसमें काम शाम जो भी होगा आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा, अपने गार्डन की अपडेट देता रहूँगा कि नई कौन सी चीज़ लगा रहे हैं और पुरानी कौन सी चीज़ इसमें अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखो मुर्गियों का डरबा, ले मुर्गियों को, मुर्गियां भी एंजॉय कर रही हैं, देखो अच्छे मौसम में बारिश वारिश हो रही है, मुर्गियां खाना शाना खा रही है, दाना उठा रही है। ये ले देख, ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मौसम बना हुआ है और हर तरफ ये देखे क्या खूबसूरत सा मौसम है, और गंदम माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है इस दफा बारिशें भी टाइम पे हो गई है, गंदम काफी अच्छा है, दाना अभी दाने के लिए जो बारिश की जरूरत थी ना वो भी टाइम पे हो गई है, काफी अच्छा दाना बना हुआ है, गंदम ही गंदम बहुत मजे का है माशाल्लाह। ये पत्थर वाली चक्की है ना, ये पत्थर वाली चक्की है, दूसरी मशीन वो है, वही लग से ये आटा गिरता है, ये मशीनें लगी हुई है सारी गांव में, अब ये सीन है, ये दाना साफ करने के लिए दाने साफ हो गए। देखिए पत्थर वाली चक्की का आटा बन रहा है, वो बना रहे हैं भाई। तो ये जुबैर भाई की चक्की है ना यहाँ पे, और ये देखिए ये आयल वाली मशीन भी लगी हुई है, ये देखो देसी आयल सरसों का, ठीक है, सारा आपको देसी चीजें यहाँ से प्रोवाइड होगी इंशाल्लाह, बेसन भी मिलेगा, मैंने भी ले लिया बेसन, मकई का आटा भी मिलेगा, और ये पत्थर वाली चक्की लगी हुई है ना, ज़्यादातर लोग अब इसको प्रेफर करते हैं, पत्थर वाले चक्की से ही आटा पिसवा लेते हैं। ये देखिए मशीन इधर भी लगी हुई है,
इस साइड पे। तो ये अभी हमने यहाँ पे रतियाल से गोश्त लिया। रतियाल में बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजे का गोश्त मिलता है, ठीक है। सही देसी जानवर होता है, जंगल का पला हुआ, ठीक है। और गोश्त भी इनका बहुत मज़े का होता है, जायका। कोई बड़ा जानवर नहीं होता, दरमियाना सा जानवर को वो क्या करते हैं, ज़बह कर लेते हैं और सही गोश्त बनाते हैं। तो इधर से गोश्त में से ज़्यादातर मैं इधर से ही ले जाता हूँ। बहुत प्यारा सा बादल है, जगह जगह पे उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है ना। कुछ कुछ जगहों से ये वाइट नज़र आ रहा है, कुछ जगहों से डार्क हुआ है, और पीछे ब्लैक ब्लू शेड में आसमान भी नजर आ रहा है ना। वो बड़ा सी जगह नजर आ रही है, वो है मानकियाला स्तूपा। तो ये मानकियाला स्तूपा में एक दो दिन बाद बच्चों को लाऊंगा ना, तो मानकियाला स्तूपा आप लोगों को करीब से भी दिखा दूंगा। वीडियो में बहुत छोटी सी नजर आ रही होगी पीछे, लेकिन करीब आएंगे मानकियाला स्तूपा के पास और रवाद कोट भी आएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फिर करीब से दिखा देंगे। जी ये देखे जी, हम घर पहुंच गए। ये आटा भी ले आए और ये फ्रिज में दूध की बोतलें भी हमने रख दी, और अभी अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। सैफुल्ला का रोज़ा है, सैफुल्ला जाएगा अपने लिए कोई समोसे पकोड़े लाएगा। असी तो इधर ही बनाएंगे अपने लिए घर पे, लेकिन इसको बाहर के समोसे पकोड़े पसंद है, ठीक है, बाहर से ले आए। तो हम तो कर रहे हैं अफ्तारी की तैयारी, और फिर मिलते हैं अफ्तारी के बाद, या अफ्तारी के बाद क्या, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आज की रूटीन आप लोगों ने देख ली। अल्लाह हाफिज़।